मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल श्री मंगू भाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश से मिला और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनसे गुहार लगाई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का था जो हमने उनके सामने रखा। दूसरा मुद्दा हाउस टैक्स और सीपीसी कैंटीन में जीएसटी में छूट का था। तीसरा मुद्दा जो हमारे शहीद परिवार हैं उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का था। और चौथा मुद्दा केंद्रीय अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड उसका गठन, जिससे जितने भी कल्याणकारी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचे और उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मेरे सहयोगी श्री सुरेश शर्मा भूतपूर्व आईजी पंजाब पुलिस, श्री रणवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी, श्री जयेंद्र राणा अध्यक्ष मध्य प्रदेश, ये सब लोगों का हमें सहयोग प्राप्त है और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और अर्धसैनिक की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और ये जो हमारा जज्बा है, ये जो हमारा लड़ाई है, इसमें हम अवश्य जीतें। जय जय पैरालट। आईपीएस रिटायर्ड सुरेश कुमार सर, आपको बिग सैल्यूट कि आपकी सेहत थोड़ा सा नासाज होते हुए आप जो है एक बार फिर से जवानों के हक के लिए आज राजभवन में आए। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? साथियों, मेरे लिए एक बड़ा भारी प्रिविलेज है कि मैं, मेरे बैचमेट है चार सिंह, उनके कहने से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं दिल से हर पैरामिलिट्री सैनिक के साथ हूँ। वो सोल्जर सब मेरे भाई हो और मुझसे ये जो आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको एक दूर करने का प्रण ले रखा है। सारे इस अभियान में सबसे पहले तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सर्विस में होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं था जी। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि जो जनरेशन आज सर्व कर रही है या जो आगे आएगी उनके लिए हम कुछ करें, तभी हमारा कर्तव्य या हमारा जो जिला है वो सफल होगा। तो मैं ये एक और अपील करना चाहता हूँ, किसी भाई को, कोई पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी उसका हो, CRP, BSF, ITP, CISF, SSP, आसाम राइफल, वो बेहिचक हमें कॉन्टेक्ट करें। आपकी कोई तकलीफ होगी उसका हम दूर करेंगे और कोशिश हमारी ये है कि जब हम इस अभियान में जुड़ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, और गवर्नमेंट ने जो अन्याय किया हुआ है, अन्याय एक बहुत भारी अन्याय है कि जो मनुष्य पूरी जान पर लड़ता है वो तो ज्वाइन इसलिए करता है कि भाई ठीक है मर भी जाऊँगा तो कोई शहीद हो जाऊँगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को तो देख लेंगे, पेंशन ही बता रखी है भाई। पेंशन के लिए मैं बहुत वो एक इंसेंटिव है ज्वाइन करने का पैरामिलिट्री, अच्छा आदमी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, जब अच्छा आदमी नहीं ज्वाइन करेगा तो ये फोर्स खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट CRP BSF इनसे चल रही है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का सारा मामला मिलिट्री ने, बल्कि आप CPMF देख रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से बिल्कुल अपील करता हूं कि जो भी ये एसोसिएशन के मुद्दे हैं उनको बड़े सीरियसली ले। ये वैसे मुद्दे नहीं है जिसको कि आपने कांग्रेस पे देख लिया और हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। हर जवान के पास ये मुद्दा पहुंच चुका है और ये आपके गवर्नमेंट की अच्छाई में है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है जवानों के लिए, पर ये ऐसा कदम है जो अगर आप करेंगे तो ये जवान आपके लिए बहुत जान तक देने को तैयार रहते हैं। जय हिंद। बहुत बड़ी बात आपने कही आईजी साहब के, जो है जवानों की पेंशन का एक गंभीर मुद्दा, और ये राजभवन भोपाल से आवाज़ पूरे देश में जाए कि आपकी जो कन्फर्टेशन, आप तो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं और हमने इस कन्फर्टेशन एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, मार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आपकी बात महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर और दुनिया की सबसे ऊंची छत लद्दाख से लेकर लास्ट कॉर्नर ADG के साथ जो है केरला हो या कर्नाटका के गवर्नर तक पहुँचाई है, सुदूर उत्तर पूर्व जो है मेघालय में पहुँचाई है, और इसके लिए बिग सैल्यूट हमारे जयेंद्र राणा जी प्रदेश अध्यक्ष, पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष। कुछ कहना चाहेंगे सर?
मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी चेयरमैन साहब और हमारे सुरेश शर्मा साहब ने सारी बातें कवर कर ली हैं, रणजीत सिंह साहब ने भी कह दी है। मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है वो है हमारे जवानों के द्वारा शूट आउट और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं, वहाँ हमें बहुत चिंतित करती हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जान क्यों दे रहा है। तो ये राजभवन से आप सवाल कर रहे हैं, राजभवन के सामने खड़े होकर सत्ता के दरवाजे पे क्यों ना की जाए कि हमारा कोई भी जवान ऐसा कदम ना उठाए। तो सरकार को चाहिए कि उनकी जो जरूरत की चीज़ें हैं वो समय पर पूरी की जाएं। जैसे हम अर्सैनिक कल्याण बोर्ड की मांग करते हैं मध्य प्रदेश में, तो कोई ये बड़ा बजट वाला तो सवाल है नहीं कि भाई ये तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बजट है भी तो सरकार हमारे लिए तो है। हम सरकार के अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे इस देश को, अगर देश में अराजकता फैल जाएगी तो सरकारें क्या करेंगी। आज शांति का माहौल हम पैरामिलिट्री की वजह से तो है, यानी के बॉर्डर यानी के तो हम ही तो रोक रहे हैं। यानी के 3 तलाक हो या 376 हो, धारा कौन कौन सी कश्मीर में जो लगी है उनको इम्प्लीमेंट तो आप ही लोग तो करवा रहे हैं। लोगों ने किए इतने मामलों को आपने सॉल्व कर लिया, तो ये तो बहुत साधारण मामले हैं। तो यानी के आपकी इच्छा शक्ति की बात है और आप इसको पूरा कर सकते हैं। यानी के चाक चौबंद चौकीदारी आप कर रहे हैं तो आपको हक चाहिए और ये राजभवन से आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को शेयर किया जाए।